नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। एक अजीबोगरीब मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां क्लासरूम में बैठे करीब आधा दर्जन बच्चे अचानक बेहोश हो गए। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस सूचना ने सभी को असमंजस में डाल दिया है। बच्चों के अचानक बेहोश होने की घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए बच्चे नजदीकी अस्पताल भेजे गए। सूचना के बाद SDM सिकंदराबाद व CEO सिकंदराबाद भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच करने लगे, मामले का जायजा लिया। इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी बल्कि पिछले कई दिनों से विद्यालय में अचानक बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हालांकि बच्चों के बेहोश होने का कारण जहरीली गैस मानी जा रही है। ये पूरा मामला सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र के गोपालपुर में स्थित विद्यालय से सामने आया है। फिलहाल इस मामले पर जांच की जा रही है और मामले को लेकर स्कूल इंचार्ज ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। बताइए, क्या नाम है मैम आपका? सीमा वर्मा। आप क्या है, यहाँ पद क्या है आपका? मैं दोनों स्कूल की इंचार्ज हूँ। अभी हमने सुना है कि यहाँ से करीब दर्जन भर बच्चे बेहोश हुए, क्या मामला है? करीब 5-6 बच्चे बेहोश हुए हैं। यहाँ पर आसपास जो फैक्ट्री एरिया है, तो उसके जहरीले गैस निकलने के वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज ही निकली है, पहले से नहीं? एक वन वीक से चल रहा है, पर एक हफ्ते से एक दो बच्चे आज थोड़े 5-6 बच्चे गिर गए। शिकायत एक बार पहले की थी? हाँ, मतलब ये एक हफ्ते से चल रहा है। प्रेयर में एक दो बच्चा गिर रहा था, तो हमें नॉर्मल लगा कि घर से खाना खा के नहीं आए, लेकिन आज ज्यादा हुआ है, तो हमने इस चीज पे ध्यान दिया ज्यादा।